देखो ये याद रखना ही करियर काम ही नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ठीक है, तीन है ध्यान रहे। पहली देखो एक अरेंजमेंट से दो दो आपके क्या बनेंगे फॉर्मूले बन जाएंगे। और पहली आपके पास ध्यान रहे मैंने बोला पहली आइडेंटिटी बोलो तो याद सीधा आ जाना चाहिए आपका आंसर है ना। पहली आपके पास साइन स्क्वायर थीटा दूंगा ए लो एंगल ए चलो ए लिखता हूं प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू किसके बराबर होता है वन के ए आइडेंटिटी आपकी ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन यहां से बन जाएंगे दो और साइन स्क्वायर ए किसके बराबर देखो कॉस स्क्वायर ए ऐड हो रहा है उधर जाके बोलो ए के बन गई इधर से ऐसे ही कर सकते हैं आप कहीं आपको दिखेगा वन माइनस कॉस स्क्वायर ए तो आपसे लिख दो साइन स्क्वायर ए बोलो ठीक है। और दूसरी बन जाएगी आपके पास क्या कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए ऐड हो रहा है ना दूसरे साइड जाके बोलो ए इस आइडेंटिटी से आपके पास दो फॉर्मूले और बन गए। पहली के कौन सी है भाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू वन इससे क्या बन गया साइन स्क्वायर ए किसके बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर ए बोलो ए रखनी है आधी इससे फिर अपने आप बना भी सकते हैं आप साइड में नहीं लगी होता याद रखिए ए वाली याद रखो बस ठीक है एक हो गई। अब दूसरी आपके पास क्या चलो ऐसे लिख लो पहले ऐसे लिख सकते सीकेंट स्क्वायर ए किसके बराबर भाई वन प्लस टेन स्क्वायर ए के बराबर सीकेंट स्क्वायर ए किसके बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर ए और यहां पे दो बन जाएंगे और फॉर्मूले क्या बन जाएंगे सीकेंट स्क्वायर ए इसको ले जाओ इधर माइनस टेन स्क्वायर ए कितना बचा इधर भाई वन वो कैसे बनेगा टेन स्क्वायर ए को ले गया मैं लेफ्ट हैंड साइड तो माइनस का हो जाएगा ना प्लस का था इक्वल टू वन आपके पास एक और बन जाएगा क्या सीकेंट स्क्वायर ए माइनस अब वन को ले जाओ क्या बचेगा इधर टेन स्क्वायर ए ठीक है मतलब टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर ए माइनस वन के बराबर है ना। इस आइडेंटिटी से आपके पास दो फॉर्मूले और होंगे बन गए ना दो और ठीक है। अब आ जाओ तीसरा जो तीसरी आइडेंटिटी है आपके पास क्या तीसरी cosec स्क्वायर ए किसके बराबर भाई वन प्लस cot स्क्वायर ए ठीक है दो इसकी और बन जाएगी फॉर्मूले क्या बनेंगे cosec स्क्वायर ए इस cot स्क्वायर ए को ले जाओ इधर cot स्क्वायर ए इक्वल टू कितना वन और दूसरा क्या होगा cosec स्क्वायर ए माइनस वन किसके बराबर cot स्क्वायर ए बोलो लिख लो जल्दी मारो की नजर वैसे वन प्लस कॉट स्क्वायर ए चाहे कॉट स्क्वायर प्लस वन बुक में कॉट स्क्वायर प्लस वन होती है ना कंफ्यूज मत होना वन प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस वन एक ही बात है ठीक है। तो ए तीन रखना इन तीनों के वेयर काम इनको तो गांठ बांध के रख लो क्या बोला बांध दी जल्दी करो क्या दे यार इसको जल्दी बांध दो ठीक है। ठीक है भाई बोला क्या इतना पता अब इसी का काम है आगे इनको तो याद रखना अब जल्दी देखो बीच में इनका यूज होगा इनके बगैर क्वेश्चन नहीं होंगे और ये पूरी एक्सरसाइज इनके बगैर अगर भूले कि तो कुछ नहीं कर सकते फंसेंगे आप उधर तो इनको तीनों को ऐसा बढ़िया कुछ भी क्या क्या इसमें sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 पहला दूसरा क्या है 1 + tan स्क्वायर a किसके बराबर secant स्क्वायर a के बराबर या secant स्क्वायर a इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर a के बराबर है कि नहीं है। फिर एक को ले जाओ दूसरी साइड की दूसरे को ले जाओ दो फॉर्मूले बन जाएंगे है ना। तीसरे क्या आपके पास cos स्क्वायर a किसके बराबर 1 + cot स्क्वायर a ठीक है इतना याद रखना और क्या है तीन ही फॉर्मूले मिटाऊं मिटा दूंगा